तो पापा लोग, उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो सोच रहे होंगे ये फिर भाई बंधु से बाबा लोग पे कहाँ आ गए। तो भाई बंधु जो है पर्सनली मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए सोचा कोई एक वर्ड मिले जो सबको बोल दिया जाए और सबको ठीक भी लगे। तो बाबा लोग ऐसा वर्ड है जो किसी पे भी इस्तेमाल हो सकता है, लड़का हो, लड़की हो, अंकल हो, आंटी हो, सब पे चल जाता है। इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कंपेरिजन। कंपेरिजन किसके बारे में वो आपको पता चलेगा। ये मैंने मंगाया था अपने एक्शन कैमरा के लिए माउंट, जो लगता है हेलमेट पे। ये लगता है सीधा ऐसा हेलमेट पे, ये दो टैग्स हैं इसके, ये क्लिप हो जाते हैं इस पे। पर इसमें जो है एक फॉल्ट है, वो फॉल्ट क्या है, वो फॉल्ट ही मेन है। मतलब एंगल नहीं बैठता है करेक्टली, जो आप व्लॉग मोटो व्लॉगिंग में यूज़ करते हैं 40-60 रेशियो या 60-40 कुछ भी बोल लो, मतलब आपका जो है व्यू टैंक से लेके गाड़ी दिखना चाहिए और जो है आधा रोड दिखना चाहिए। इस वाले में क्या हो रहा है, डायरेक्ट स्पीडोमीटर दिख रहा है, फिर उसके बाद ऐसा ऊपर बैठ गया डायरेक्ट रोड दिख रहा है। मैंने इसमें अटैचमेंट्स लगा के ट्राई किए पर वो भी जो है पॉसिबल नहीं हो पाया। तो इसलिए मैंने क्या किया, ये मैंने कुछ माउंट्स मंगाए हैं अमेज़ॉन से, आपको लिंक दे दूँगा। ये माउंट्स पे मैं MCL लगा के जो है एंकर सही करने का कोशिश करूँगा। कोशिश ही कर सकते हैं ज़िंदगी में और कुछ नहीं। इस पे जो है MCL लगा के आपको ठीक से बताता हूँ और दोनों के जो है माउंट्स के फुटेज आपको दिखाऊंगा, आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा फ़र्क। बाबा लोग अपने बहुत होशियार, इसीलिए आप समझ जाओगे। अच्छा हेलमेट है, LS2 का है। आपको मॉडल नंबर शायद ही मुझे याद होगा, फिर भी मॉडल नंबर इधर है, मैं देता हूँ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। फंकी टाइप है, अरे आपका भाई भी तो फंकी है तो ये भी तो फंकी रहेगा। आ जाओ, चलो। तो बाबा लोग ये है मेरा प्यारा सा हेलमेट, तो मैंने एक बार लगाया था। जो एक्शन कैमरा है मेरा SJ Cam, इसको मैंने इस पर लगाया था, पर वो क्या है एक इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है मैंने स्किप कर दिया था, इसलिए ये स्कैम मेरे साथ हो गया। स्कैम क्या हुआ, चलाते एकदम स्पीड पे खट्टे में मैंने गाड़ी को खुदाया और ये लटक गया नीचे। वो तो अच्छा हुआ माइक था, इसलिए बच गया एक्शन कैमरा, नहीं तो लग जाता एक्शन कैमरा के लिए। तो अभी जो सबसे पहला काम है आपको बताता हूँ क्या है। ये है सैंड पेपर, मैंने काफ़ी बड़ा दे दिया पर इतना आपको ज़रूरत है नहीं, जो है इतना पार्ट काट लो। तो ये रफ पार्ट जो है मैंने हाथ से फाड़ दिया। तो इसको जहाँ पे भी आप एक्शन कैमरा अपना लगाओगे वहाँ पे जो है स्लाइटली आप रब कर दो, इससे क्या होगा मतलब थोड़ा रफ बन जाएगा, इतना स्मूथ नहीं रहेगा। ये क्यों करना ज़रूरी है यार, जब आप MCL लगाओगे तो कभी भी, तो इसीलिए कभी कभी क्या हो जाता है स्लिप मार देता है या लूज़ पड़ जाता है कुछ भी बोल दो, इसीलिए रब करना ज़रूरी है। रब करना करते हैं स्टार्ट। चलो, अरे नहीं 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 रुको, मैं क्या करता हूँ पहले इसको हटाता हूँ। इसको हटाने के बाद रब करके मिलता हूँ आपको। तो इस पार्ट को जो है मैंने इसके थोड़ा बहुत रफ कर दिया है। माउंट आते हैं दो टाइप के, ये देखना आप ध्यान से, ये आपको यहाँ साइड से दिखाऊंगा तो दिख जाएगा, एक सेकेंड। ये देखिए, ये जो है ये कर्व्ड माउंट है, थोड़ा कर्व है, और ये जो है ये सीधा है, तो स्ट्रेट है। स्ट्रेट जो है हेलमेट पे, ज़्यादा हेलमेट पे सपोर्ट नहीं करता, कर्व जो है थोड़ा बहुत कर देता है। MCL भी जब आप लगाते हो तो वो डायरेक्ट ऐसे MCL नहीं लगाने का, थोड़ा जो है उसको नीचे से, ये नीचे साइड में अब जो है इंक्लाइन करना। इंक्लाइन मतलब थोड़ा ऐसा जगह छोड़ना, स्लोप जैसा आना चाहिए। क्या है, फाड़ते हैं MCL और मिक्स करते हैं। रुको, MCL किधर गया रे बाबा। तो MCL को फाड़ लेते हैं और करते हैं स्टार्ट मिक्सिंग। देखो इंप्लांट पोजीशन में लग गया, एक नंबर। देखो दोस्तों, मेरे पास और दो
माउंट थे एक्स्ट्रा, मतलब चाहिए तो लगा सकता था उसको भी, पर नहीं चाहिए, दिक्कत क्यों झंझट ज़्यादा बढ़ाना, जब एक में काम हो रहा है तो तीन क्यों चाहिए, एक से काम हो गया अच्छे से बस, जो है आपको कल मोटर व्लॉग दिखेगा। अरे उसके बारे में तो भूल ही गया मैं, आपको बताना भूल गया था, क्या वो बात है बड़ी स्पेशल मेरे लिए, क्योंकि गाड़ी का नामकरण हो चुका है। लास्ट वीडियो में जो आपने बीप बीप का आवाज़ सुना था वो छोड़ दो, आप भूल जाओ, पर अभी से ऑफिशियली मेरे NS 200 का नाम है पैंडा, पैंडा या पांडा कुछ भी बोलो, पर है वो वही। पता नहीं क्यों रख दिया, नाम अच्छा लगा, ब्लैक एंड वाइट गाड़ी है इसीलिए रख दिया। तो कल होगा फर्स्ट राइड पांडा पे विथ मोटो व्लॉगिंग, हो चुका है लास्ट टाइम भी, पर वो एंगल वेंगल ठीक नहीं था, इस बार जो है अच्छा वाला राइड करेंगे। तो बस अगर आपको ये वाला माउंट ठीक लगता है, क्या पता कुछ लोगों के हेलमेट पे बैठ भी गया हो, मुझे नहीं लगा, मेरा एंगल ठीक नहीं बैठा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मुझे तो ये प्रोडक्ट उतना ठीक नहीं लगा। और इसका रेट है 999। और एक है सेम टाइप का प्रोडक्ट है, उसमें ये माउंट नहीं आता है, इसके बदले में जे माउंट का जो है क्लिप आता है नीचे, उसका रेट है 1200 रुपये। तो ये मुझे 1000 रुपये का वर्थ तो नहीं लगा, मुझे लगा एमसील बेस्ट, और फिंगर्स क्रॉस्ड कल वो एंगल ठीक दिखाए। बस अभी आपको दिखाता हूँ फुटेजेस ये वाले माउंट के, दिखाता हूँ अभी, देख लो। अब देखो ये वाले माउंट के, आपने पिछले वीडियो में देख लिया होगा, फिर भी एक बार देख लो, देखो देखा फ़र्क आपको मालूम पड़ ही गया होगा। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल राइड के लिए भी प्रिपरेशन करना है, प्रिपरेशन ज़्यादा कुछ नहीं है, वो टैंक बैग एक लगाना है मुझे, और सारे बैटरीज चार्ज करने हैं, सब A to Z मेमोरी खाली करना है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, और एक सब्सक्राइब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आपको लगेगा ज़्यादा बोल रहा है, आपकी मर्जी, पसंद आया चैनल तो सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं, फैमिली जो है बढ़ते रहेगा, जहाँ तक बढ़े वहाँ तक ठीक। चलो दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में, पीस आउट।